जेरियाट्रिक केयर का अर्थ होता है बुजुर्गों का देखभाल। हिंदुस्तान में एक समय ऐसा रहा है कि जब बुजुर्गों को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता, अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो उसका घर में भी और बाहर भी एक सम्मान होता था कि भाई ये बुजुर्ग हैं। लेकिन आज ये स्थितियां बदल गई हैं। आज लोगों को, बुजुर्गों को अपने घर में रखने में दिक्कत हो रही है। ओल्ड एज होम्स का प्रचलन चल पड़ा है। अब ये बड़ा स्वस्थ तो नहीं है, लेकिन अब जैसा है प्रचलन, जो बुजुर्ग जिनको एल्डरली पीपल कहते हैं, 65 साल से ऊपर उम्र वालों को आमतौर पर कहा जाता है। भारत में एक इंडियन नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स सन 1999 में बनी थी, तो उस वक्त यहाँ पर 60 साल की उम्र वालों को आमतौर पर ये माना गया कि ये बुजुर्ग कहलाएं। लेकिन अभी ग्लोबली 65 साल के लोगों को ऐसा माना जाता है कि वो बुजुर्ग हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में जेरियाट्रिक मेडिसिन बुजुर्गों के इलाज का एक अलग ब्रांच है, और बुजुर्गों के रोगों को कैसे रोकथाम किया जाए और उनके जो एजिंग प्रोसेस है, इन सब चीजों पर जेरियाट्रिक्स में पढ़ाया जाता है। बुजुर्गों की समस्याएं अनेक हैं। अच्छा सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे हम लोगों को शारीरिक परिवर्तन होने लगता है और शारीरिक रोग उभरने लगते हैं। हर 10 साल में हमारे हड्डियों का, हमारे मांसपेशियों में लगभग 7% का रिडक्शन आ जाता है। शारीरिक रूप से हम वीक होने लगते हैं। तो ये बोन मास रिडक्शन जो है, इस प्रोसेस को कम करने का क्या करना चाहिए, इस पर विचार करना बड़ा जरूरी है। मैं आगे करूंगा। शारीरिक रोगों के साथ साथ कई तरह के मानसिक रोग उभरने लगते हैं, और मानसिक रोगों में सबसे बड़ी परेशानी भुलक्कड़पन की होती है। वो डिमेंशिया, ओल्ड एज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका कद थोड़ा कम होने लगता है, मिलने जुलने वाले लोग कम होने लगते हैं, घर पर भी पूछने वाले लोग कम होते हैं, तो इसलिए लोनलीनेस, एकांगीपना बढ़ने लगती है। एकांगीपना बढ़ने से कई तरह की परेशानियां रहती हैं, और असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो ये जो शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, ये बुजुर्गों के जीवन को बिल्कुल नरक बना देते हैं। उसी में असुरक्षा की बहुत सारी भावनाएं बढ़ने लगती हैं। कई जगह ये देखा जाता है कि बुजुर्गों को लोग ठगने के चक्कर में बहुत पड़ने लगते हैं, परिवार में और लोगों में उसके प्रॉपर्टी को लेकर के निगाह लोगों में बनी रहती है कि इसकी प्रॉपर्टी कैसे हड़प कर लिया जाए, और कई जगह तो मर्डर्स तक हो जाते हैं बुजुर्गों का। तो ये जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है वो बड़ी जबरदस्त है, और तमाम तरह के कानूनी दिक्कतें आने लगती हैं। लोग उसकी तमाम चीजों पर कब्जा उब्जा करने लगते हैं, उसके साथ फ्रॉड होने लगता है, कई तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज होने लगती हैं। तो कुल मिला करके बुजुर्गों के साथ कई तरह की परेशानियां हैं।
शारीरिक परेशानी, उनको तमाम तरह के शारीरिक रोग और कमजोरी, मानसिक परेशानी, भुलक्कड़पना, एकांगीपन, असुरक्षा की भावना, और जो असुरक्षा है वो कई तरह का, आर्थिक असुरक्षा। कई घरों में ये देखा जाता है कि बुजुर्गों को पेंशन नहीं होती और वो जितना बेचारे कमाए होते हैं वो सारा का सारा वो खर्च कर चुके होते हैं, तो इसलिए बड़ी दिक्कत वाली बातें होती हैं। तो ये जो फिजिकल, मेंटल सिक्योरिटी और लीगल प्रॉब्लम्स, इनसे बुजुर्गों का जीवन बिल्कुल नर्क जैसा बनता जा रहा है, और इससे कैसे उनको राहत दिया जाए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बुजुर्गों का जो मामला है वो इतना आसान नहीं है। जरूरत ये है कि आज के तारीख में बुजुर्गों की समस्याओं को समझने वाले कुछ विशेष प्रकार के लोग होने चाहिए, एक डेडिकेटेड मैन पावर होनी चाहिए जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझे और उस तरह से डील करे, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं पाया। अब ये जो बुजुर्गों का समस्या है ये कितनी बड़ी समस्या है, ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम, ये कोई एक जगह की समस्या नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। तो ये ग्लोबल ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम जो अगर आप देखें, तो आप जानते हैं कि अभी इस वक्त जो विश्व की जनसंख्या है वो 8 बिलियन के लगभग है। 15 नवंबर 2022 को ये माना गया कि भाई विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन, बिलियन माने 8 बिलियन माने 800 करोड़। ये जो जनसंख्या है ये 2030 पहुंचते पहुंचते 8.5 बिलियन हो जाएगी, यानी 850 करोड़ हो जाएगी, और 2050 पहुंचते पहुंचते ये जनसंख्या जो है 9.7 बिलियन हो जाएगी, यानी 970 करोड़ हो जाएगी, और 2080 पहुंचते पहुंचते जनसंख्या विश्व की 10.4 बिलियन। आप समझिए कि 1004 करोड़ के लगभग हो जाएगी, और सन 80 से 2100 तक ये जनसंख्या ऐसा माना जा रहा है कि स्टेबल रहेगी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या विश्व की होगी और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितना दिन जिएंगे, इसके बारे में थोड़ा आप देखें कि अभी सन 2019 में ये जो जनसंख्या थी, ऐसा जीने का जो उनका उम्र था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको कहते हैं, वो 72.8 वर्ष था। और ये जो अभी 72.8 है ये सन 2019 के तुलना में 9 साल ज्यादा है, और सन 2050 पहुंचते पहुंचते लोग 77.2 साल तक जीने लगेंगे, यानी उनकी उम्र बढ़ती जाएगी। अभी 72.8 है, सन 19 में 9 साल कम था, और सन 2050 तक ये बढ़ करके हो जाएगी 77.2 साल। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एजिंग है उसकी बात मैं कर रहा हूं, और जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी जो गणना है उसके अनुसार ग्लोबल पॉपुलेशन जो है एल्डरली पीपल का, जो 65 साल से ऊपर के हैं, वो लगभग 703 मिलियन 2019 में थे। 703 मिलियन माने 70 करोड़ 30 लाख, और ये जो 2050 पहुंचते पहुंचते ये जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं इनकी जनसंख्या हो जाएगी 1.5
5 बिलियन यानी 105 करोड़, लगभग 150 करोड़ आदमी। तो ये समझ लीजिए कि ये जो पूरी जनसंख्या है उसकी लगभग 16% लोग बुजुर्ग होंगे। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी ये समस्या बुजुर्गों की होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग चिंतित हैं कि बुजुर्गों की जो समस्याएं हैं उनको कैसे हल किया जाए। अभी आपको मैं बता रहा था कि लोग कितना दिन जी रहे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट फिगर आया है उसमें ये बताया गया कि जो लोग हैं 73.2 साल जी रहे हैं एवरेज। महिलाएं ज्यादा जीती हैं, महिलाओं की उम्र जो है 75.6 है, और आदमी थोड़ा कम जीते हैं, उनकी उम्र जो है 70.8। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजिंग है। बोथ सक्सेस 73.2, फीमेल 75.6 और मेल्स 70.8। अभी तक मैं आपको ये बता रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कितनी बड़ी समस्या है। अब आप हिंदुस्तान पर आ जाइए। हिंदुस्तान में आपको मालूम है कि कोविड के वजह से सन 2021 में जो सेंसस होने थे, जनगणना होनी थी, वो नहीं हो पाई। सन 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर सारे बना करके कैलकुलेशन करके देखा जा रहा है। तो अभी जो भारत की पॉपुलेशन है वो लगभग 142 करोड़ के लगभग हो गई। सन 2021 में अगर जनगणना हुई होती तो उस वक्त जनगणना में 140.7 करोड़ आदमी होते। इस वक्त सन 2023 में 142 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। हम लोग चाइना के पॉपुलेशन से भी ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है। विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कोई देश अगर है तो हिंदुस्तान है आज की तारीख में। 19 अप्रैल से पहले वो चीन था। तो हमारा जो बर्थ रेट है वो है 16.42 बर्थ पर 1,000। ये सन 2021 के आंकड़े के हिसाब से, यानी 1,000 आदमियों में 16.42 पैदाइश है। और डेथ रेट कितना है? 9.42 डेथ्स पर 1,000, यानी 1,000 में 9.42 ये इतने लोग मर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट है उसमें काफी अंतर है। और ये भारत की जो लगभग 68% पॉपुलेशन है, 68%, वो 15 से 64 साल की उम्र वाले लोगों की है। और ये माना जा रहा है कि 65 साल से अब 65 साल से ऊपर वाली जो पॉपुलेशन है देश में वो लगभग 7% की है अभी इस वक्त। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी 19 तारीख को मैं बता रहा था आपको कि 19 तारीख को हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है वो चाइना से ज्यादा हो गई, यानी 142 करोड़ और 86 लाख से ऊपर हो गए। तो ये जनसंख्या और इसमें 7% के लगभग आप समझ लो बुजुर्ग, तो कितनी बड़ी समस्या है इसका आकलन आप कर सकते हैं। सन 2030 पहुंचते पहुंचते भारत की जनसंख्या 151 करोड़ 50 लाख के लगभग हो जाएगी।
अभी 142 करोड़ है, और सन 2030 तक ये हो जाएगी 151 करोड़ 50 लाख। और जो जनसंख्या है और सन 2050 पहुंचते पहुंचते जो भारत की जनसंख्या है 164 करोड़ हो जाएगी। इस 164 करोड़ में लगभग 7% से ऊपर लोग जो हैं ये होंगे बुजुर्ग। तो आप समझो कि बुजुर्गों की कितनी जनसंख्या होगी, और हर बुजुर्ग जो है उसके साथ एक से एक समस्याएं। अब सारे विश्व में किस देश में कितने साल तक लोग जी रहे हैं इसका एक आंकड़ा आप देखिए। सारे विश्व में सबसे लंबी उम्र हांगकांग वासियों की है, वो लगभग 85.29 साल तक जीते हैं। महिलाएं कुछ ज्यादा जीती हैं, 88 साल के लगभग उनकी उम्र होती है, और जो पुरुष हैं वो 82 साल जीते हैं। ये आप पूरे विश्व में 5 साल कहीं कहीं पर, 3 साल कहीं पर, 2 साल, इस तरह से महिलाएं ज्यादा जीती हैं और पुरुष कम जीते हैं। इससे क्या इम्प्रकशंस होते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा था कि विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या, ये जो जीने का उम्र है वो हांगकांग की है 85 साल, और उसके बाद नंबर 2 पर आता है जापान, और नंबर 3 पर आता है मकाओ, नंबर 4 पर आता है स्विट्जरलैंड। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान का नंबर 136 है। पूरे विश्व के जितने देश हैं उसमें 136वें नंबर पर हमारी जो लॉन्जिविटी है वो है। हमारे यहाँ पर लोग अभी 70 साल के लगभग जी रहे हैं, 70.42, महिलाएं 71.8 और पुरुष 68.16, यानी 69.16, ये उनकी उम्र है। दुनिया में सबसे कम कहाँ जी रहे हैं लोग, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, वहां पर अभी जो लोग हैं वो 54 साल जीते हैं। पांडे सर, सॉरी हाँ फॉर इंटरप्ट। ये सर आपके हाँ स्लाइड में जो सर लास्ट वाला पोर्शन है ना, नेचुरोपैथी अप्रोच, पंच कोशाज कंसेप्ट, हाँ अगर सर उस पर हम चल सकेंगे तो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। मैं उस पर चलते हैं। ये असल में ना, ये जो पॉपुलेशन वाला मामला है इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये सब बताने का ये है कि आप ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम को समझे ना। जेरियाट्रिक केयर की बात आप कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। मैं पिछले 15 साल से लगातार ये कहता रहा हूं कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल का कुछ उपाय करिए, कुछ कानून बनाइए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और ये जो प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को आप क्या टैकल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, ये सब दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। हमारी सभ्यता बदल रही है, पंचकोशी योजना उस पर बात करेंगे, लेकिन आप ये जान लें कि हमारी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही, और हमारी जनसंख्या का लगभग 7% पॉपुलेशन वो है जिसको केयर करना है हमें। जेरियाट्रिक केयर में वो आते हैं, और लॉन्जिविटी दिन पर दिन बढ़ रही है। हमारी भी जो उम्र है वो आने वाले सालों में बहुत बढ़ने वाली है, इसलिए इन चीजों को हर आदमी को समझना चाहिए। वो क्या रहा है कि ना तो सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही, ना पब्लिक ध्यान दे रही है, और राजनीति हो रही है इस पर कि खुदा की देन है पब्लिक, तो भाई जियो खुदा की देन पर। अब मैं क्या करूं इसको, तो जी कम से कम आप समझ लो कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। बाकी आपकी इच्छा है, आप इस पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहो करो, ना करना चाहो मत करो,
लेकिन समस्या को समझो, सन दो आने वाले दिनों में ये जो प्रॉब्लम है लगभग 9% हो जाएगी। 9% लोग देश में, 9.2% लोग, आप समझ लीजिए कि ये एल्डरली पीपल होंगे इस देश, और उनको आपको टैकल करना पड़ेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। डेथ रेट और बर्थ रेट में आपको मैं बता चुका हूँ, 16 और 9 का। तो चलिए मैं इन सब चीजों को छोड़ता हूँ। कि आपको ऐसा लग रहा है डॉक्टर रंजन जी कि ये बकवास है, लेकिन तो सर मैं, ये इंटरेस्ट दुनिया का होता सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। हम 2 मिनट में आपको ये नहीं समझा सकते कि पंचकोश क्या है और उससे क्या लाभ होगा, लेकिन 2 मिनट में अगर आपके दिमाग में ये आ जाए कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने की जरूरत है, तो मेरे ख्याल में देश का और समाज का ज्यादा कल्याण होगा। तो है सर। चलिए मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और पहुँचता हूँ। फर्टिलिटी वगैरह को थोड़ा छोड़ दीजिए, ये कॉमन एलिमेंट्स पर, कि बुजुर्गों को होता क्या है, बुजुर्गों में जो समस्याएं हैं वो किस तरह की हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि बुजुर्गों में बोन मास रिडक्शन होता है 7% पर डिकेड, 10 साल में लगभग 7% बोन मास रिडक्शन होता है। पुरुषों में ये 55 साल में शुरू होता है और महिलाओं में 50 साल में शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो आप देखते हैं ऑस्टियोपोरेटिक टेंडेंसीज बढ़ने लगती हैं, और बहुत बड़े हो जाए तो आदमी की हाइट कम हो जाती है, वो इसीलिए होती है बोन मास रिडक्शन वगैरह की वजह से। अब जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये तो सीओपीडी की प्रॉब्लम बुजुर्गों में बहुत होती है, डिप्रेशन के प्रॉब्लम बहुत होते हैं, हार्ट फेलियर के प्रॉब्लम्स बहुत हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज की प्रॉब्लम्स बुजुर्गों में बहुत हैं, डायबिटीज मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ना, हृदय रोग बुजुर्गों की, इसके बारे में आप जानते हैं सबसे ज्यादा है, अर्थराइटिस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर बुजुर्ग के साथ, ये जो जोड़ों में दर्द और ये सब सब शुरू हो जाता है, जिससे उनका जीवन ट्रिपल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ने लगता है, बीपी की समस्या बनी रहती है, कंपन का रोग शुरू हो जाता है, अल्जीमर शुरू हो जाता है। अल्जीमर्स के बारे में आप जानते हैं, इसको अभी हम कुछ कर नहीं पाते औषधियों के माध्यम से, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 65 साल के जो उम्र के लोग हैं उनमें लगभग 5% में, और 85 साल के पहुंचते पहुंचते ये 50% लोगों में ये समस्या शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पार्किंसोनिज्म, ये जो हाथों वगैरह में कंपन आप देखते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैंसर के बुजुर्गों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑस्टियोपोरोसिस, शरीर में जगह जगह पेन और चलने फिरने में तकलीफ है ना, विजुअल प्रॉब्लम्स, आंखों की समस्याएं, जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते हैं दिखाई कम पड़ने लगता है, सुनाई कम पड़ने लगता है, पेट की तमाम समस्याएं, कुछ हजम नहीं कर पाते, मोटापा बढ़ने लगता है, और तमाम तरह की, इन सारे रोगों में असलियत ये है कि इन जितने भी रोगों का मैंने नाम लिया, औषधियों से कोई बहुत संतोषजनक उपचार हो नहीं पाता, लेकिन इतनी दवाइयां दी जाती हैं, इतनी दवाइयां दी जाती हैं, तो उन दवाइयों की वजह से सैकड़ों किस्म के उनको परेशानियां होने लगती हैं। तो ये बुजुर्गों को क्या करना है, इस पर बहुत बड़ा चिंतन करने की जरूरत है। मैं तो ये कहता हूं कि बुजुर्गों को इंटेग्रेटेड अप्रोच से ही उनके भलाई के लिए कुछ किया जा सकता है। अभी हम लोगों में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, अलग अलग सिस्टम के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनमें बहुत बड़ा ईगो ये रहता है कि हम ही सबसे बड़े जानकार लोग हैं,
इस ईगो को छोड़ करके जिन जिन पद्धतियों में जिन जिन रोगों का बहुत सफल उपचार है, उन उनको साथ लेकर के चलने की जरूरत है। इंटीग्रेटेड अप्रोच इसी को कहते हैं कि जिसमें आप सबसे ज्यादा जो काम कर सकें वो, लेकिन उसको करने में बहुत तरह की समस्याएं हैं इस वक्त, तो इस इंटीग्रेटेड अप्रोच पर भी हम कभी बात फिर करेंगे। मैं चाहता यह हूं कि योग नेचुरोपैथी वाले क्या कर सकते हैं बिना दवा के, उस पर थोड़ा बात कर लिया जाए। अच्छा, आप किसी भी पद्धति से बुजुर्गों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन आपको कई तरह के एक्सपर्ट्स की जरूर जरूरत पड़ेगी। जेरियाट्रिक केयर मेडिसिन के स्पेशलिस्ट तो खैर जरूरत ही है, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, है ना, आँख के डॉक्टर, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, है ना, ऑर्थोपेडिक वाले, ऑन्कोलॉजिस्ट, ये जो कैंसर वाले डॉक्टर हैं, सांस वाले डॉक्टर हैं, या हृदय रोग वाले डॉक्टर हैं, या पेट के डॉक्टर हैं, इनके जितने स्पेशलिस्ट हैं उनकी किसी न किसी स्टेज पर हमें जरूरत पड़ती है। तो ये रिफरल सिस्टम थोड़ा कुछ होना चाहिए, और इन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, इनका सहयोग लेना ही पड़ता है किसी ना किसी स्टेज में। आप चाहे एलोपैथी से ही इलाज कर रहे हो और जेरियाट्रिक मेडिसिन में आप स्पेशलिस्ट हो, लेकिन आपको तो इन स्पेशलिस्ट की भी जरूरत पड़ती रहती है। और जो स्पेशलिस्ट हैं, योगा है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद है, उनको भी कई जगह इन लोगों की जरूरत पड़ती है, तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन रखना बहुत जरूरी है। नेचुरोपैथी क्या कर सकता है बुजुर्गों के रोग में, ये एक इस पर चिंतन करने की जरूरत है। नेचुरोपैथी में ये जितने भी रोगों का मैंने अभी उल्लेख किया है, उन सभी में इलाज की व्यवस्थाएं हैं, उनके लगभग प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसमें बिना औषधि के नेचुरोपैथी से इलाज करने का उपाय हो सकता है, और वो ज्यादा लाभकर और ज्यादा सुविधाजनक और कम खर्च वाला साबित होगा। और लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन बुजुर्गों के जीवन पद्धति में सुधार करके उनके बहुत सारे रोगों को और कष्टों को दूर किया जा सकता है, और योग और नेचुरोपैथी के माध्यम से कई रोगों को होने से प्रिवेंट किया जा सकता है, और अगर कुछ हो गया है ऐसी चीज तो उनको रिहैबिलिटेट भी किया जा सकता है। तो संक्षेप में ये कि नेचुरोपैथी जो है उसके इलाज में, उसके प्रिवेंशन में, रिहैबिलिटेशन में सभी जगह एक अपना रोल अदा कर सकती है, और जो भी नेचुरोपैथी सेंटर्स हैं या नेचुरोपैथ्स हैं, इस पर थोड़ा विचार कर करके बुजुर्गों के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाऊं, और उनको बुजुर्गों के डायग्नोसिस में और कई तरह के सर्जिकल और मेडिकल कंडीशंस में और इमरजेंसी कंडीशन में आधुनिक चिकित्सा के विशेषज्ञों की सहायता लेना पड़ेगा, और लेने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें कोई ईगो वाली बात नहीं रखनी चाहिए। अब नेचुरोपैथी क्या है, इस पर मैं आऊं तो ये फिर लंबा हो जाएगा। नेचुरोपैथी आप लोग सभी जानते हैं औषधि विहीन चिकित्सा है, हवा पानी मिट्टी अग्नि आकाश, इनसे इलाज किया जाता है। गांधी जी के जमाने से प्रार्थना को भी प्राकृतिक चिकित्सा का एक अंग बनाया गया है, और ये हमारे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। अब तो प्राकृतिक चिकित्सालयों में प्रार्थना को चिकित्सा के रूप में कम प्रयोग होने लगा है, लेकिन पहले जब हम लोग नेचुरोपैथी में आए थे तो ये अनिवार्य था कि सुबह और शाम सारे डॉक्टर, सारे रोगी, सारे कार्यकर्ता सब एक जगह बैठ करके प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना से बहुत लाभ होता, आदमी को सुकून बहुत मिलता। तो प्रार्थना पर कभी हम अलग से बात करेंगे, और उसमें ठाकुर जी को भी बुलाना बहुत जरूरी है वार्ताओं में। आप कह रहे थे पंचकोश कॉन्सेप्ट के बारे में, भारतीय चिंतन में पंचकोश की परिकल्पना है,
ये जो चित्र है वो हमने बनाया था बहुत पहले, इसमें पंचकोश दिखाया गया है। हमारी आत्मा पर पांच लेयर्स हैं। सबसे बाहरी जो लेयर है ये भूरे रंग से जो दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारी शरीर है, ये हमारी जो क्या बोलते हैं इसको, अन्नमय कोष बोलते हैं, जो हमारा बाहरी शरीर जो दिखाई, ये अन्नमय कोष है। और इस अन्नमय कोष के नीचे ये प्राणमय कोष है, और प्राणमय कोष के नीचे ये आप देख रहे हैं इसमें जो ये कलर है, ये मनोमय कोष है। आप वैसे भी देखते हैं कि आपका मन और आपका जो सांस है वो जुड़ा हुआ है। पहला जो अन्नमय कोष है ये ग्रॉस शरीर है, और ये प्राणमय कोष जो देख रहे हैं ये इसको आप श्वास के साथ लिंक करके देख सकते हैं। इसके नीचे जो कोष आप लाल वाला देख रहे हैं वो मनोमय कोष है। तो आप मन और सांस का लिंक जानते हैं, शरीर और मन के बीच में जो ये हमारी सांस है ये बहुत बड़ी चीज है। आपको अपना मन बदलना हो तो सांस बदल दें, मन बदल जाए। आप कभी बहुत तनाव में हो, आप कुछ मत करिए, खूब गहरी सांस 10-5 बार लीजिए और छोड़िए, आप देखेंगे कि आपका मन बदलने लगा है। तो जैसा आपका मन होगा वैसा आपका शरीर चलेगा, और वैसा ही सांस भी चलेगी। सांस को बदलेंगे आपका मन भी बदल जाएगा, और शरीर में उस तरह के परिवर्तन आने लगेंगे। और इस मनोमय कोष के पीछे ये विज्ञानमय कोष है, और विज्ञानमय कोष के पीछे आनंदमय कोष है, और आनंदमय कोष के पीछे ये आपका जो आत्मा है वो छुपा हुआ है। तो हमारे आत्मा पर पांच तरह के पांच आवरण हैं, और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है पंचकोश कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसको समझने के लिए आपको सांख्य दर्शन में जाना पड़ेगा। सांख्य दर्शन में ये मान्यता है कि दो अनादि तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष के जब आसपास आते हैं तो पुरुष के आस पास आने से प्रकृति में क्षोभ होता है। प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है, सतरजतम तीन गुण है उसमें, तो किंचित मात्र जो रज गुण है वो एक्टिवेट होता है, फिर चीजें चलने लगती हैं, पैदा होने लगती हैं। पुरुष जो है वो चेतन है परंतु निष्क्रिय है। प्रकृति जो है अचेतन है परंतु सक्रिय है। तो वो उसकी जो रज तत्व है उसके वजह से वो सक्रिय हो जाता है जब प्रकृति और पुरुष दोनों साथ नजदीक आते हैं। तो पहला तत्व महत्तत्व पैदा होता है, और महत्तत्व के बाद अहंकार पैदा होता है, और उस अहंकार से फिर पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और पांच तन्मात्राएं पैदा होती हैं, और मन पैदा होता है, और फिर उस पांच जो तन्मात्राएं हैं उससे पंच महाभूत पैदा होते हैं। तो ये जो 24 तत्वों का खेल बताया जाता है ये सांख्य दर्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा, और इसको हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। उसको अगर आप समझते हैं पूरी तरह से तो शायद ये जो पंचकोश का कॉन्सेप्ट यहाँ दिखाया गया है इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के इसके पंचकोश के कॉन्सेप्ट बहुत पुराने रहे हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए या समय हो गया है। कितने बजे तक है ये डॉक्टर रंजन जी? सर ये तो 12 बजे तक हम करते हैं। हाँ, ये अभी आप हमको कितना मिनट दे सकते हैं?
सर वैसे 15 मिनट और कर सकते हैं। और वैसे सर ये जो प्रार्थना आपने जो बोली ना प्रार्थना, तो प्रार्थना से हम एंडिंग करेंगे। आप प्रार्थना कराकर, प्रार्थना भी थेरेपी का पार्ट होना चाहिए। तो तो चलिए बहुत अच्छा है। तो ये जो प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह है, ये जो ड्रगलेस सिस्टम्स हैं, और जो कुछ चिंतन है, अभी आपको एक चिंतन मैंने पंचकोश का बताया, अब प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ चिंतन हैं। अब वो चिंतन क्या है, वो कहते हैं सारे रोगों का जो मूल कारण है वो है विजाती पदार्थों का शरीर में इकट्ठा होना, मॉर्बिड मैटर थ्योरी। तो शरीर को अगर सफाई कर दिया जाए तो आदमी स्वस्थ हो जाएगा, चाहे कोई भी रोग हो। तो ये एक यूनिटी ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट, ये एक कॉन्सेप्ट है। सारे रोगों का एक इलाज शरीर में विजाती पदार्थों का जमा होना, और उसका इलाज ये है कि सारे जो विजाती पदार्थ शरीर में इकट्ठा है उनको निकाल देना। तो सबका कारण एक और इलाज है। इस सिद्धांत को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिटी ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट। प्राकृतिक चिकित्सा में एक सबसे बड़ी जो मान्यता है, वो मान्यता ये है कि शरीर एक सेल्फ हीलिंग मशीन है। शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता है। अगर शरीर में कोई गड़बड़ी हो जाए तो शरीर अपने आप को खुद ठीक कर लेती है। कोई रोग हो जाए तो उस रोग को खुद भगा सकती है, बशर्ते कि उसको अवसर दिया जाए ठीक करने के लिए। तो ये सेल्फ हीलिंग कॉन्सेप्ट है जो नेचुरोपैथी का, ये जो कॉन्सेप्ट है ये लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन में प्रयोग होता है। जब आप कहते हैं कि लोगों के दिनचर्या ऋतुचर्या वगैरह को सुधार करके रोगों को ठीक किया जा सकता है, तो इसमें एक अनिवार्य रूप से ये कॉन्सेप्ट आता है कि शरीर में खुद ठीक करने की क्षमता है, शरीर खुद ही ठीक कर लेगी। बाहर जो गड़बड़ी है उसको आप ठीक कर दो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, शरीर अपने आप को ठीक करता है और करता भी है। हाथ टूट जाए, हड्डियों को अपनी जगह जोड़ करके रख दीजिए, तो अपने आप जुड़ जाए। चाहे आप तो उसमें दवा का कोई विशेष रोल नहीं होता है, दर्द वर्द निवारण के लिए हम लोग दवा ववा देते रहते हैं। तो ऐसे ही और रोगों के लिए भी, और बैक्टीरिया और वायरस को लेकर के एक धारणा है कि ये जो बैक्टीरिया और वायरस हैं ये सेकेंडरी कॉज ऑफ डिजीज है, ये रोग के मूल कारण नहीं बल्कि द्वितीय कारण है। शरीर में जब ऐसी अवस्था पैदा हो जाए कि बैक्टीरिया और वायरस उसमें जा करके पनप सकें और अपनी कॉलोनी बना सकें और रोग पैदा कर सकें, तभी होता है। अगर शरीर में ऐसा वातावरण पैदा ना होने दिया जाए तो कोई बैक्टीरिया वहां जा करके जिंदा नहीं रह सकते। अगर बैक्टीरिया वायरस मूल कारण होते तो अस्पताल में जितने भी नर्सें और डॉक्टर हैं सब मर जाते, क्योंकि वो तो 24 घंटा बैक्टीरिया वायरस के वातावरण में रहते हैं। तो वो तो ठीक रहते हैं, रोगी मरता है। मामला क्या है? मामला ये है कि ये बैक्टीरिया वायरस हैं, लेकिन वो शरीर में तभी जा करके नुकसान पहुंचा पाते हैं, तभी जा करके शरीर के अंदर जिंदा रह पाते हैं, कॉलोनी बना पाते हैं, जब शरीर के अंदर ही कोई ऐसा वातावरण पैदा हो जाए। तो शरीर में अगर उस वातावरण को पैदा ना होने दिया जाए तो रोग नहीं होगा। तो ये जो योगा नेचुरोपैथी वाले हैं वो आमतौर पर यही करते हैं कि शरीर तो इतना स्वच्छ और सबल रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया वायरस जा करके पनप नहीं पाता, इसलिए रोगों का बचाव हो सकता है। और रिटर्न टू नेचर, प्रकृति को लौटो, फूड एस मेडिसिन, आप जो भोजन करते हो वही आपका औषधि है। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं और ये कॉन्सेप्ट कोई नए नहीं है, हजारों हजारों साल से ये चलते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पुराने जितने भी वैद्य थे उनके यहाँ जब भी आप इलाज के लिए जाओ तो ऋतुचर्या दिनचर्या बताते हुए ये इस वक्त क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कब जागना है, कब सोना है, कब उपवास करना है, ये सब सब चीजें वो बताया करते थे। अब हम लोग केवल औषधियों पर
डिपेंड हो गए हैं, ये ठीक नहीं है। आहार के बारे में एक अलग से सेशन रखने की जरूरत है। अगर आपका आहार ठीक है, सोना ठीक है, जागना ठीक है, तो आप जल्दी बीमार नहीं हो सकते। कोई बीमारी है तो आहार चिकित्सा से और उपवास चिकित्सा से आप ठीक हो सकते हैं। तो ये जो सरल सरल चीजें हैं, इनका उपयोग बुजुर्गों के इलाज में और ज्यादा कारगर ढंग से किया जा सकता है, और इस पर चिंतन करने की जरूरत है। तो कई तरह के ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी में किए जाते हैं, पंचमहाभूत चिकित्सा, हवा पानी मिट्टी अग्नि आकाश से, मैग्नेट की चिकित्सा, बिजली की चिकित्सा, और रंगीन रश्मि क्रोमोथेरेपी माने रंगीन रश्मि चिकित्सा, अलग अलग कलर्स से चिकित्सा, एक्सरसाइज, व्यायाम, मालिश, उपवास, आहार, योग, और जो सरल ये हर्ब्स हैं, जैसे आप मुलेठी ले लें कि तुलसी ले लें कि इस तरह के जो सिंपल सिंपल हर्ब्स हैं, उनसे इलाज, ये सब सब इलाज के तरीके हैं। इनका उपयोग बहुत कारगर ढंग से बुजुर्गों के लिए किया जा सकता है। अकुपंचर एक सिस्टम है जो चाइनीज सिस्टम कहलाता है, आजकल पूरे विश्व में प्रचलित है। इसमें सुइयां गड़ा करके इलाज करते हैं, मरीडियंस होते हैं, और मरीडियन पॉइंट्स, ये बुजुर्गों के इलाज में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। और टिशू सॉल्ट्स हैं, जिसको बायोकेमिक मेडिसिन आप कहते हैं, ये ओल्ड एज में बहुत माफिक आते हैं। आयुर्वेद का तो खैर आप लोगों को सबको मालूम है कि आयुर्वेद और पंचकर्म का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, और फिजियोथेरेपी का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो इन सबको हम प्रयोग में ला सकते हैं और बुजुर्गों के लिए बहुत एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं क्योंकि समय काफ़ी हो रहा है तो मैं ये कहते अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि लोगों का जब तक आप एकांगी चिकित्सा करेंगे कि केवल शरीर का चिकित्सा कर दिया जाए, केवल दवा देकर, तो ये एकांगी चिकित्सा जब तक करते रहेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। आप अगर सफल इलाज करना चाहते हैं तो आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक केयर करनी पड़ेगी। व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर एक साथ इलाज करना पड़ेगा। इस सभी पहलुओं पर एक साथ के इलाज को ही हम होलिस्टिक अप्रोच करते हैं। एकांगी चिकित्सा से आप कभी भी सफल चिकित्सा नहीं कर सकते। उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर एक साथ इलाज करने की कोशिश करिए, और इन बुजुर्गों के जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुखमय बनाने की कोशिश करिए। और जो पारिवारिक स्तर पर जो बुजुर्गों के वो नेगलेक्ट किया जा रहा है, इससे बचने की जरूरत है। बुजुर्गों को घर में, समाज में एक इज्जत देने की बहुत जरूरत है, और उनको ओल्ड एज होम के सहारे छोड़ना ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, और इस पर हम सभी को मिलकर के चिंतन करने की जरूरत है। आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।